ज़िंदगी की हकीकत है और वो मानस जी के साथ बीती हुई कहानी है, और वो जो कहानी उनके साथ हुई है वो मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रिप्टिंग नहीं की गई है। ज़िंदगी की हर वो हमारी जो फिल्म है उसकी एक एक लाइन जो है वो सच्चाई है जो इनके साथ घटी हुई कहानी है। तो इसीलिए इसको हमने स्क्रिप्टिराइज और या सब ये सब चीज़ें हमने की ही नहीं है, क्योंकि उनकी हर एक चीज़ को हमने जो सच्चाई है उसको हमने पन्ने पे उतारा है, और उस जो चीज़ों को हमने पन्ने पे उतारा है उसको हमने बाकायदा पर्दे पे उतारने की पूरी तरीके से अपने तरह से कोशिश की है कि हम पर्दे के ज़रिए लोगों तक पहुँचें, और वो जो बीमारी में जो दर्द जो तकलीफ या जो चीज़ें है वो एक फैमिली जब ऐसे चीज़ों से जब गुजरती है तो क्या उनकी मेंटालिटी रहती है, क्या सिचुएशन रहती है, क्या बच्चे कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जाते हैं, उनकी वाइफ कितनी क्रिटिकल कंडीशन से गई है, वो सारी चीज़ें जो हकीकत है वो हमने पर्दे पे उतारा है। और हम चाहते हैं कि लोग उसको बहुत ही पसंद करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मानस जी को एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLAB27 हुआ था, तो ये एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाके थक चुके थे, हर जगह गए पर कहीं पे उनको रिजल्ट नहीं मिला। इवन डॉक्टर ने ये तक कह दिया था अगर आप 10 साल जिएंगे, नहीं 10 नहीं 20 साल का था एवरेज था, बेड पे ही रहेंगे। लेकिन आप बेड पे रहेंगे, अभी आप ये मान लीजिए आप बेड पे आपको रहना है, और सबसे बड़ी बात ये कि आप फिर भी आप कोशिश करते रहो, फिजियोथेरेपी करते रहो। लेकिन मैंने कहा था जब आदमी उठ नहीं सकता है, गर्दन हिलना बंद हो गया, वो पैर लॉक हो गया, हेवी पेन, तो वह आदमी कैसे फिजियोथेरेपी और क्या कर सकता है। मैं यहाँ तक कि मेरे गर्दन को पकड़ के फिजल मशीन से खींचा जाता था, तो पुलिंग था वो करते थे कि गर्दन को थोड़ा बाहर निकाल, तो सब अंदर घुस चुका। तो वो उस जर्नी है, तो वो क्या है कि एलोपैथी मैं उसने उनका क्या है कि अगर उन्होंने की बात कहा, अगर मेडिसिन होता मैं आपको क्यों नहीं दूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ट्रीटमेंट करूँगा, मैं अपना फीस लूँगा, तो इलाज है तो मैं क्यों नहीं दूँ। बोला आज तक एलोपैथी में समझ में नहीं आता कि डिजीज होता कैसे, क्यों होता है, तो इसका उसका सॉल्यूशन क्या है, वो खोज ही नहीं निकला अभी तक। तो अल्टीमेटली फिर क्या आदमी कहाँ जाएंगे, फिर कुछ ना कोई रास्ता ढूंढता है ना कि ना चलो होम्योपैथी देखते हैं, आयुर्वेद देखते हैं। तो आयुर्वेद में काफ़ी जगह किया, और रामदेव बाबा आज की तारीख पे बहुत बड़े जगह, सैल्यूट टू हिम, क्योंकि आज उनके जरिए तो लोगों में योगा घर घर तक पहुंचा, पूरे दुनिया में पहुंचा। आज योगा करके काफ़ी तादाद में लोग ठीक हो रहे हैं और फिट एंड फाइन है लोग। तो उन्होंने भी आज एक ही बात करते कि दवा पे मत जाओ मेरी, मेरे योगा करते। अब तो मैं तो योगा तो किया नहीं था पहले, तो अभी भुक्त हो गई था, अभी क्या करूँ, तो योगा के लायक नहीं। तो एक जगह केरला से आया, एक मैं मेरे के लिए मिला जगह जो जिनका नाम आप कहीं नहीं मिलेंगे, तो उनके पास मैं पहुँचा, और उन्होंने हाथ में लगा के टच करके बता दिया कि मेरे पास कौन सा डिजीज है और इसका आप मैं आपको ठीक कर दूँगा। तो नॉर्मली क्या है कि मैंने इतना तो ट्रीटमेंट किया इधर में अपने मुंबई में, कि जहाँ भी गया जिधर भी गया वो एक ही जगह इसको रिप्लाई था कि नहीं इसका कुछ है नहीं, हो नहीं सकता। और काफ़ी टाइम के बाद मुझे मालूम पड़ा मेरे अंदर में क्या डिजीज़ है, जब मेरा ब्लड टेस्ट अल्टीमेटली ब्लड टेस्ट हुआ तो उससे मालूम पड़ा। तो उसके बाद जब सफ़र शुरू हुआ उस जगह केरला में, और केरला से जब मैं वहाँ एडमिट था, अब धीरे धीरे मेरा ठीक होना चालू हुआ, मैं गर्दन मूव करने लगा, फिर सब जॉइंट लॉक था, मेरे हाथ पैर सब लॉक था, तो बैठ के खा नहीं सकते थे, दो आदमी उठा के लेके मुझे नहाना लेके आना, जो भी नित्य क्रियाक्रम होती है वो करवाना। लेकिन उसके बाद जब मैं देखा कि फील किया कि मैं ठीक हो रहा हूँ, और इससे पहले भी मैंने काफ़ी स्टडी किया था, उसमें देखा कि काफ़ी पूरे वर्ल्ड में एक डिजीज़ है, हर देश हर कंट्री में एक है, और कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो वो लोग तो इसी में मर रहे, उनको तो पता ही नहीं है। तो ये और ये लोग पूरी तरह से लो प्रोफाइल रहते हैं, इनको कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया है, जब उधर उनका परमिशन लिया कि हम अपने ऊपर में जो बीती थी हम ऐसा बनाना चाहते हैं, लोगों तक मैसेज पहुंचा था कि आपके पास आपके ठीक हो गए जाए, तो उन्होंने अपना परमिशन लिया कि ठीक है लेकिन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब इसके साथ में कारवा बनता गया, कुनाली जुड़ गई, कुनाली को फ़ोन किया, अच्छे दोस्त है मेरे, फैमिली फ्रेंड है, तो जब इसे बताया कि इस तरह से इसने देख चुकी थी मुझे जो मेरी हालत थी,
उसके बाद इन्होंने बोला कि यस डन, मैं पिक्चर प्रोड्यूस करती हूँ। फिर गिरीश के पास पहुँचा, मेरे काफ़ी पुराने दोस्त है, उसमें उस वक्त से जानता हूँ जब वो इंडस्ट्री में कदम रखा था और मैं उस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर में काम करता था, वो तब की बात है, तब से हमारी याराना और दोस्ती है। बहुत पुराना यार, बहुत पुराना यार। हाँ नहीं ठीक है, तो वो आप कंटिन्यू किया। एक तरह से कॉमन रोग देखा है एक अलग ही बात होती है, पर एक अपने डिजीज देखा एक पर्सनल लाइफ का कैरेक्टर देखा है, तो उस समय आपकी क्या थॉट थे, आप क्या सोच रहे थे जब स्क्रिप्ट आपके पास आई, तो आपने खुला कुछ ऐसा ये स्क्रिप्ट मिलने का चाह मतलब अलग ही है और कुछ ऐसी। आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, उससे पहले एक सेंटेंस में एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे मुस्कुराते हुए आपने मुझसे सवाल पूछा, वो मुस्कुराहट हर घर में आ जाए, वो करने का अथक प्रयास है ये फिल्म निदान, पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है भाई कि मैंने कहा कि कोई चमत्कार, कोई कॉस्मिक पावर थी, कोई चमत्कारिक शक्ति थी जिसने मुझसे ये काम करवाया, क्योंकि एज एन एक्टर तो मैंने अपनी इन्वॉल्वमेंट पूरी पूरी डाली इसमें, लेकिन जो जिस डिग्री का पेन मानस ने इसमें बर्दाश्त किया जिस चीज़ को, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था एज एन एक्टर। तो हर शॉट के बाद मैं मानस से पूछता था, मानस तुम्हें मिल रहा है जो तुम चाह रहे हो, और जब मैं खुद शॉट देखता था तो मैं खुद हैरान होता था कि मैं ये पेन मैं कैसे ले आया। तो कोई कॉस्मिक पावर थी या इस डायरेक्टर के अंदर से निकली हुई ऐसी वाइब्रेशन थी जो हमारी इक्वेशन मैच हो गई थी। एक शॉट में तो प्रणाली ने भी ऐसा परफॉर्म किया, इवन भाभी ने जब स्क्रीनिंग पे भी बोला था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ही हूँ और वही सिचुएशन वही हाथ कुछ सीक्वेंस थी ऐसी, क्योंकि इसमें सब इंसिडेंट्स ओरिजिनल ही रखे हैं, जो एक्चुअल हुए थे एज इट इज वही रखे हैं। तो मैं खुद बड़ा हैरान था। और एक और चमत्कार हुआ कि इस फिल्म को करने के दौरान मेरी बैग में भी कुछ प्रॉब्लम थी, मैं अपनी बैग में पट्टियाँ बंधवा कर वर्कशॉप करने के लिए जाता था, तो उसका इलाज भी शायद इस फिल्म के जरिए होना था, मेरा केरला जाना वहाँ पर वही ट्रीटमेंट लेना, वो आधी ट्रीटमेंट उन्होंने सीन के दौरान की और वही मैंने कंटिन्यू की, उनसे पूछा इसको आगे कैसे करना है, बॉम्बे आके मैंने कंटिन्यू की और मेरी वो दर्द भी ठीक हो गई। तो मुझे लगता है कि चलो मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो 10% थी, लेकिन बाकी की 90% ईश्वर ने मुझसे करवाया। प्रोजेक्ट था कि अभी जैसा मैंने पहले बताया कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर से, तो अभी उस टाइम से यारा दोस्ती था, मैंने उस प्रोसेस से मैंने गुजर रहा था असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर सिंस 1994 से मैं इधर में आया मुंबई में, और 95 से मैं एक्टिव था, हर जगह काम करता रहा। तो करते करते उस जगह तक पहुँच चुका था कि मैं घोष डायरेक्शन भी करता था, मतलब आपको आपके पास पैसे है मैं आपको फिल्म बना दूंगा, नाम आपका जाएगा पैसा मुझे दे दो, तो चीफ एसोसिएट उस लेवल पर तो था ही, घोष डायरेक्शन तक आ चुका था। तो कुछ जिनके साथ मैं काम किए थे, जो प्रोड्यूसर्स थे आज के अच्छे प्रोड्यूसर्स थे, कुछ नए प्रोड्यूसर भी थे, तो एट ए टाइम में जब मैं साइन किया था 3 फिल्में साइन कर लिया था, एक बंगाली था 2 हिंदी, तो 2 कॉमेडी फिल्म थे और एक बंगाली था वो सोशल फिल्म ड्रामा थी। वो प्रोसेस चल रहा था मेरा, तो उसी दौरान मुझे ये डिजीज हुई। अब उसमें से वो जो थोड़ी सी जो आपने ट्रेलर में देखा कि फिर हाथ से प्रोजेक्ट छूट जाना, नेचुरली वेरी प्रोफेशनल है, अगर कोई मुझ पर मुझे कोई साइनिंग अमाउंट दिया, कोई पैसा दिया मुझ पर, तो मेरे काम के लिए दिया, मुझे नहीं दिया, और मैं उनके लिए काम के लिए मैं फिट नहीं हूँ, काम उनको डिलीवर नहीं कर सकता हूँ, तो यह सब फुल राइट कि वो मुझे वापस ले ले, उनके पैसे ले ले, और पैसे नहीं आए तो मैंने जो उनको स्क्रिप्ट दिया वापस लेके जाए, तो ये दो चाहते ना प्रोड्यूसर्स। लेकिन वो लोग वापस, फिर जब बीमारी खत्म हो गई मेरी, इसमें आ चुका हूँ, वो लोग वापस आके मिलके वापस बोले नहीं, जो हो गया था खत्म करो, वापस आप काम कीजिए, हम आपके साथ में वापस काम करना चाहते हैं। उस पे हम पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे बीमारी के। तो ये है सिलसिला जो आपने पूछा कि मुझे कि वो जो प्रोजेक्ट हाथ से, तो प्रोजेक्ट वो थे कि जो मैं उस वक्त मैं 3 फिल्मों के साथ में डेब्यू कर रहा था, मैं मुझे लगे मैं आई थिंक मैं तो फर्स्ट डायरेक्टर जो कि 3 फिल्मों के साथ डेब्यू करने जा रहा था। नॉर्मली एक फिल्म स्ट्रगल करके मिलने में बहुत मुश्किल होती है, तो मेरा 3 फिल्में, तो
ये हर सिलसिला सर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्क्रिप्ट तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो ज़िंदगी की हकीकत है, ये सच्चाई है, ये ज़िंदगी की कहानी है, और जो इनके साथ घटित हुआ है, जो हमने अपनी आंखों से देखा है, बस उसी को हमने पर्दे पे उतारने की कोशिश की है, लोगों के घर घर तक पहुंचने की कोशिश की है, और आयुर्वेदा को देश दुनिया में पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोग हमारे जो है वो आयुर्वेदा पर भरोसा करें, लोग आयुर्वेदा में ठीक हो सकते हैं और लोग ठीक हो रहे हैं, ये हमारा मकसद है। इसीलिए इसको कमर्शलाइज तो मैंने उस वे से मैंने देखा नहीं, मेरा पहला मकसद यही था जो मैंने आपको बताया, और ये सोशल फिल्म है, और सोशल फिल्म जो है लोग उसको एक्सेप्ट करें, सोशल फिल्म है, लोगों को पता चले कि ऐसे ऐसी भी बीमारियां हैं दुनिया में जिसका इलाज केरला में होता है या आयुर्वेदा में होता है, तो ये हमारा मकसद है, इसीलिए फिल्म को बनाया गया है, और पूरी कोशिश की है हमने, कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखी है। जो गिरीश जी ने मानस जी का जो रोल प्ले किया है, रियली आई एम टेलिंग यू कि मतलब हम बोल ही नहीं सकते, स्पीचलेस मैं बोलती हूँ कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, रियली आई एम टेलिंग यू कि वो जो चीज़ को उन्होंने इतने अच्छे से बाकायदा इतना अच्छे से निभाया है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से निभाया है इसीलिए मैं भी वो कर पाई, तो मतलब बहुत अच्छा केमिस्ट्री बना है हम लोगों का, और बस वही है कि हम देश दुनिया में पहुँचाना चाहते हैं, सोशल फिल्म है, सोशल कॉज है, और लोगों तक बस ये पहुँचे, और आप लोग भी इसको पहुँचाने में हमारी मदद करें, बस यही आप लोगों से दरख्वास्त है। सर, मैं आयुर्वेदा से तो मैं बोलूँ कि मैं बहुत ही कनेक्टेड हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग भी इसके साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि ये हमारी पुरानी पद्धति है, ये हमारी पुरानी चीज़ें हैं जो हमने कहीं ना इसको एक पेटी में बंद करके रखा है, तो अभी ना वो समय आ गया है कि हम उस पेटी को ओपन करें, और हमारे पास जो दी हुई चीज़ें, जो हमारी पुरातन काल में हमें जो दिया हुआ है उसको अब हमारे लाइफ में हम उसको यूज़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सर, आप एलोपैथिक लेंगे तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट है ही है, बट आयुर्वेदा में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी रेमेडीज़ है, ये जो आप देखते हैं सब जंगल से आई हुई दवाइयाँ है ना, हल्दी कहीं ना कहीं हमको कितना यूज़ आती है, हम लोग हल्दी सब्जियों में खाते हैं, और वही अगर हमें कहीं लग जाए तो चोट लग जाए तो हम वही हल्दी को गर्म करके लगाते हैं, तो यह सब आयुर्वेदा है। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे अभी याद आई, मैं खुश नसीब रहा हूँ कि मैंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, उन लोगों की पर्सनल जिंदगी में मैंने उनके साथ 30-30, 35-35 दिन गुजारे, उन लोगों पर आयुर्वेदा का इतना इम्पैक्ट, क्योंकि हमेशा एक स्टार को देख के ये फीलिंग आती है कि अरे ये तो लंदन से प्रोडक्ट आते होंगे, यार्डले परफ्यूम होगा, वहाँ से दवाइयाँ आती होंगी, इधर नहीं, अक्षय सर टोटली बेसिक आदमी है, सलमान खान टोटली बेसिक आदमी है, अमित जी, शाहरुख खान, ये इनका जितना इस तरफ ध्यान है और जितना विश्वास है इन चीज़ों पर, जो देख के मैं हैरान हो गया, तो मैंने सोचा अरे यार ये तो हमारे नानियाँ दादियाँ यही बोलती रही जिंदगी भर के, बेटा ये हो तो ये खा लो, दांत में दर्द है तो लौंग रख लो, चोट लगी है तो दूध में हल्दी डाल के पी लो, ये हमने सुनी नहीं, और जब आके मैंने देखा, मैंने कहा ये तो सब यही चल रहा है यहाँ पे, तो फिर मेरे भी ज्ञान चक्षु कुछ खुले, और उसके बाद मुझे ये फिल्म आई तो वो चीज़ मल्टीप्लाई होती गई और मेरा विश्वास और बढ़ता गया। आयुर्वेदा गया नहीं है, वो शुरू से था है, लेकिन उसके साथ में एक और आ गया है केमिकल, वो अपना ज़्यादा शुरू कर दिया। अभी आप भी है, सर्दी जुकाम होता है तो क्या करते हैं, उस टाइम सर्दी दिख के आ गए तो आपको खुद बोलना नहीं पड़ता है, अदरक वाली चाय पीते है, तो वो आया अपना से अदरक वाली चाय पीते तो ये सारे आयुर्वेद क्या है, जड़ी बूटी है ना, या जो खाना खाते दाल चावल सब्जी, वो ये सारे बूटी है, जड़ है, वो सभी आयुर्वेद है, लेकिन इस कि जो एक्चुअल कैसे कहाँ अप्लाई करना है, इनको किसके साथ क्या मिक्स करने के बाद किसमें क्या डालें, तो वो करने के बाद इस प्रोसेस में इसको ठीक करो, तो स्पेशलिस्ट जो होते हैं आयुर्वेदा का, जो वैद्य बोलते हैं, तो ये उनको मालूम है, और ये कारीगर बहुत मतलब गिने चुने पाए जाते हैं हाथ में, और जो लोग हैं आज है, जो कुछ लोग हैं कुछ दिखते नहीं है, वो अंडरग्राउंड रहते हैं,
और उनके पास हम उनको ढूंढ के निकाल के लेके आए थे। तो एक तो रामदेव बाबा जी बहुत आए हुए जो आयुर्वेदा में बहुत ही कमाल कर दिया, मतलब आप देश दुनिया में हर जगह में रामदेव बाबा जी। दूसरी तरफ अभी जैसा मैंने ढूंढ के निकाला, इनको भी लेके आ रहे कि नहीं आप आ जाइए, आपने इस तरह का डिजीज़ को आप ठीक कर रहे। तो पूरे देश दुनिया में जहाँ पर देश में जहाँ छुपे हुए हैं ये हमारे डायमंड्स हैं, हाँ ये हमारे हीरे, एक्चुअली दे आर हीरो सारे रामदेव बाबा जी है, ये जो हम जहाँ से ठीक होंगे ये रियल लाइफ हीरोज हैं। तो इनको लेके आना चाहता हूँ बाहर, वो आएंगे तो क्या होगा कि हमारे जो समाज में है ना जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने बीमारी हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो इलाज करने के लिए वो उतना फीस नहीं भर सकते कि आपका नी सर्जरी करना पड़ेगा, इतने लाख रुपए भरने हैं, नहीं कर सकता बेचारा। अरे सर्जरी की जरूरत नहीं है यार, आप उनके पास जाइए ना। फ्रैक्चर जुड़ते हुए देखे हैं आयुर्वेदा से, फ्रैक्चर जोड़ देते हैं वो लोग कुछ जहाँ सारा चीजें, लेकिन पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में इतने बचपन से टीका टिप्पणी चालू है ना, कुछ भी हो जाए तो वो कहाँ जाएगा, वो सारे केमिकल्स बॉडी में ब्लड में है रोटेट है, वो सारे चीज़ें उन लोग क्या करते प्रोसेस में पहले निकालते, फिर उसके बाद वो क्लीन करके बॉडी को वो बच्चा जैसा पैदा हुआ था उस जगह में उस स्टेज पे लेके जाते हैं, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं। तो एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है लेकिन क्योर कर लेते हैं। समझे क्या बोल रहे? हमारा प्रोजेक्ट अभी अभी मराठी करके आया जो कॉमेडी फिल्म है झोल जाल, जिसमें सारे बड़े मराठी इंडस्ट्री में अजिंक्य देव, मनोज जी एंड भरत गणेश भाई, सुप्रिया कर्णिक, सब काफ़ी साहिज शिंदे साहब सब है उसमें। और ये मई में रिलीज है, तो उसके बाद बैक टू बैक दूसरी भी है, पाइपलाइन में चल रही है। तो कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं अभी, उसमें जो लोगों को हंसाएंगे, हमीदान में लोगों को मैसेज भी देंगे, घर तक पहुंचेंगे और थोड़ा रुलाएंगे भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी को रुलाना नहीं, हम आज की तारीख हंसना चाहते हैं। तो झोलझाल लेके आए, और ये जो बीमारी थी ना, जिस बीमारी में ट्रैवल हुआ, तो थोड़ा इमोशनली आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ, कनेक्ट करके। हाँ हंसाएंगे भी, इसमें हंसी भी है, ऐसा नहीं कि कॉमेडी नहीं है, ह्यूमर गुदगुदी। एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, जहाँ मानस प्रणाली और गिरीश इन्वॉल्व है एज अ टीम, कि हमारे आने वाले हर प्रोजेक्ट में तीन चीजों का समावेश होगा, शिक्षा, मनोरंजन और मैसेज। ये तीनों चीजें सही समावेश के साथ आएंगी, आप हंसेंगे भी, कुछ सीखेंगे भी और खुश होकर घर जाएंगे। एजुकेशनल फिल्म है निदान, हमारी फिल्म को ऑलरेडी यू सर्टिफिकेट मिल चुका है, सेंसर बोर्ड ने हमें यू सर्टिफिकेट दिया है, और बस यही है कि आयुर्वेदा जो है अभी हमें देश दुनिया में पहुँचाना है, हर घर तक पहुँचाना है, और उसमें आप लोग हमें बहुत बड़ा सहयोग करेंगे, सहयोग देंगे, हमारा साथ देंगे। मीडिया सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो मीडिया भी हमारे साथ आके आयुर्वेदा के लिए, हमारे देश के लिए, ना ही कि सिर्फ फिल्म के लिए, तो देश के लिए, दुनिया के लिए, आयुर्वेदा के लिए, लोगों के घर घर तक इस फिल्म को पहुँचाएँ और हमारा साथ दें। ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जाइए, फिल्म देखिए, और जो बीमारी के बारे में हमने बताने की पूरी तरीके से कोशिश की है वो देखें, उस जर्नी को देखें, उस पेन को देखें, उस चीज़ को महसूस करें, और ये चीज़ें ठीक हो सकती है आयुर्वेदा में, और आप जाके देखिए, बस यही दरख्वास्त है। साथ में ऐड करूँगा कि आप अगर फिल्म देखने जा रहे हैं, जो जगह के बारे में बताएं, जिस जगह ठीक है ऑथेंटिक, उधर शूट भी किए और उन लोगों ने ही शूट पे उन लोग आए थे, वो करते थे, तो जिस जगह में ठीक किया है, आप सिर्फ इस बीमारी नहीं है, एनी काइंड ऑफ डिजीज आपका कुछ भी हो जाए, आप फिल्म देखने जा रहे सिर्फ इसलिए कि फिल्म निदान है, आपके घर में अगर आसपास में कुछ बीमारी है तो वो आपका सॉल्यूशन है, निदान है। मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि भगवान ना करे कि कभी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी आए, लेकिन अगर आए तो उसका निदान किस तरीके से करना है वो आपको निदान से पता चलेगा। सर आपने भी ट्रेलर देखा है इस मूवी का, आप इसको कैसे सरप्राइज करेंगे? इसे सॉरी सरप्राइज करेंगे इस मूवी को, कैसे प्रेजेंट करेंगे? अच्छा ओके सी एक्चुअली क्या है ये, एक पहले कुछ बताना चाहूँगा आपके जो सवाल है ना, ये जो मूवी है निदान एक मूवी ही नहीं है, ये एक
वो आपके घर तक पहुंचने वाली एक मैसेज है, वो मैसेज है जो मैं ऐसा डोर टू डोर जाकर बता नहीं पा सकता था। तो डिजीज़ है, और डिजीज़ जो मुझ पर हुआ था उसके ऊपर में हमने मिल के बनाई है। मैं उसका राइटर डायरेक्टर हूँ, ये प्रोड्यूसर एक्ट्रेस भी मैन लीडिंग लेडी है, एंड गिरीश सर है, वो मेन रोल किया था, जो मेरा रोल था हीरो। तो अभी क्या है कि जो ट्रेलर की बात है, ये ट्रेलर जो है इसको हमने लोगों तक एक देते कि फ्लेवर की, देखो ये चीज़ें है आपके घर में आने, आप लोग देखो जाके आएंगे तो क्या आपके घर में, हर किसी घर में बीमारी है, इवन आपको भी है, आपके घर में भी हो सकता है, भगवान ना करे आए भी बीमारी, लेकिन हो सकता है, इंसान है, इंसान का शरीर है, तो किसी को भी दोस्त या किसी को भी होता है ना। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं एलोपैथी, हम लोग यूज़ करते जाते मेडिसिन दे लेते हैं, फिर वापस घूम फिर के वही आते, वापस शुरू होता है, वापस देते हैं, वापस चला जाता है, वापस आते हैं। तो ये जाना आने का सिलसिला कारवा वो चलता रहता है। तो क्यों चलता है, इसे अगर बंद क्यों नहीं करते, तो एक जगह तो बंद करने की जगह है हमारी, तो जो पुरानी जो कल्चर संस्कृति है, हमारा पुरानी साइंस है जो है आयुर्वेदा, तो ये आयुर्वेदा के ऊपर बना हुआ है, इसका मेन जो हीरो कहा जाए एक तरफ से, तो आयुर्वेदा हीरो है, और ये जो डिजीज हुआ डिजीज विलेन का, और ये किस तरह से हीरो आके वो विलेन को मार गिराता है, और उसके बाद बोलता है कि नहीं ये विलेन की ये सब कार्टून नहीं चलेगा करना। तो ये वो फिल्म है जो कि लोगों के घर घर तक पहुंचना है, लोगों तक मैसेज देना है कि आपके घर में अगर कुछ इस तरह की भी बीमारी है जो कहते हैं कि इलाज नहीं है, उसका इलाज है, और परमानेंटली क्योरेबल इलाज है, जिंदगी में कभी नहीं आएगा, बशर्ते खान पान आपका टाइम टेबल आप ठीक रखो। तो हमारा एक मैसेज जाना है, लोगों तक पहुंचाना है, हमारा काम ही ये किया था फिल्म इसलिए कि इसको लोगों तक पहुंचाए, एक मैसेज बनाए, और इंटरेस्टिंग वे से इसमें आप एंजॉय करेंगे, फिल्म में गाने में एंजॉय करेंगे, आप उसमें इमोशंस के साथ में जाएंगे, और इतना गारंटी है जब निकलेंगे तो रो के आंसू आप वो पोस्ट पे बाहर निकलेंगे। थैंक यू।